नौशेरा लिए चलते हैं और वहां पर मेरे सहयोगी पंकज शर्मा मौजूद हैं। पंकज, वहां वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, बिना देर के सीधे बात करते हैं कि इस चुनाव का कैसे वो जश्न मना रहे हैं और कितनी कितनी एक्साइटमेंट है उनके भीतर, मुद्दे क्या है, जानिए। बिल्कुल, देखिए जम्मू रीजन के तीनों जिलों की बात की जाए, पुंछ, राजौरी, रियासी, अच्छी खासी मतदाताओं की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं इस समय नौशेरा विधानसभा सीट में हूँ, एक मतदान केंद्र में हूँ। आइए सीधे वोटरों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुनायिका मल्होत्रा है। फर्स्ट टाइम वोटर है? स्टेट असेंबली का मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचकर वोट कर रहा है? सर, वोट तो हमारा राइट है, तो कोई भी मतलब फोर्सफुली तो हमें बोल नहीं सकता कि इस पार्टी को वोट करो, इस पार्टी को वोट करो। तो हमें क्या है आपके लिए, क्या इश्यूज हैं? सर, डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो J&K में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। प्रीवियस ईयर से देखें तो 4% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारी भी सुने और ग्रोथ डेवलपमेंट लाए और स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करे। बिल्कुल, बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे इन चुनावों में आपके लिए? देखिए, यहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे सुरक्षा, शांति और विकास, यही मेन मुद्दे हैं। जिस प्रकार का केंद्र सरकार ने पहले भी सहयोग किया है, तो हमारी यही है कि एक ऐसी मजबूत सरकार बने जिसका सेंटर और स्टेट का समन्वय बना रहे। तो लोकल इश्यूज क्या है यहाँ पे, जो विकास जिन बातों को आप सोचते हैं होना चाहिए था वो नहीं हुआ? देखिए, काफी हद तक हुआ है, क्योंकि पिछले 8-9 साल से यहाँ पे कलेक्टिव गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों को, आवाम को बहुत परेशानी आई है। आज अगर केंद्र सरकार ने अगर यहाँ पे इलेक्शन का अगर फैसला किया, ये एक वेलकम योग्य स्टेप है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ पे बहाल होगी, विकास के बहुत से कार्य हुए, यहाँ पे हाईवे का निर्माण वापस हुआ है, जहाँ आप खड़े हो ये एक मॉडल है, इसके एंट्री की खुश है। 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे विधानसभा, खुश है? इससे हम बहुत खुश है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए कुछ महिला इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे विधानसभा के, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे मुद्दे यही है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए और जो गांव के रहने वाले हैं इनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इससे पीछे भी तो वैसे ठीक ही हुआ है, पर आगे भी होना चाहिए। नहीं है बच्चों के पास रोजगार जो पढ़े लिखे हैं? हाँ, अभी ऐसे भी घूम रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा कुछ कितना कुछ हो गया खत्म, उसको भी चालू होना चाहिए। ये रोड वगैरह तो वही चलती है, ये तो अच्छी है, लेकिन बच्चों के लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए। तो वोट करने आप आई हैं? मैं जम्मू से आई हूँ। अच्छा, जम्मू से आई? मैं जम्मू से आई हूँ, BSF कैंप से आई हूँ जम्मू से, वोट स्पेशली वोट डालने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप चाहती हैं कि यहाँ पर लोकल इश्यूज क्या है जो हल होने चाहिए थे नहीं हुए? ये लोकल इशू यही है कि मतलब सबसे ज्यादा तो बेरोजगार भी है ना, तो बाकी है ये उनके जो सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, ये मुद्दे हैं। हाँ, अच्छे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इससे बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ये देखिए एक और साहब, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन जी। सामने देखें जी, 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है, आप वोट करने आए हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, मुद्दे क्या चल रहे हैं? बस यही बेरोजगारी है, बस यही बच्चों का लिखे पढ़े बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको अच्छा रोजगार मिल जाए, बस यही है, बस पकड़ रहे हैं आगे पीछे, बस और क्या दे, यही बात नहीं है। रोजगार, रोजगार ठीक है, चल रहा है, जो ऐसे थोड़ा चल रहा है, पर बच्चों की बहुत दिक्कत आ रही है। लिखे पढ़े बच्चे हैं, वो कहीं काम कर नहीं सकते, न वो घर में रहते हैं, बस ऐसे ही घूमते फिरते। सरकार चाहते हैं आप लोग? बस अच्छी सरकार चाहिए, यही सरकार आई अच्छी हमारी, आगे भी डेवलपमेंट हुई है और भी होगी डेवलपमेंट। स्टेट हुड को रिस्टोर करना, 370, क्या ये मुद्दा है? नहीं सर, वो क्या मुद्दा है, हमें ये स्टेट जो हुई है ये ठीक है, ये मुद्दा ठीक है। आप मुद्दे पहले आपने ऐसी थी, वो उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, अब हम J&K में ज्यादा हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यही मुद्दा है हमारे लिए, बस हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पार्टी देकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि उम्मीदवार देखेंगे? नहीं सर, हम तो काम देख के ही वोट करेंगे, हमें पार्टी या कुछ नहीं है, कुछ हाँ मुद्दे देख के जो है सर, हमारा यही विकास जो हो रहा है, मतलब हमारे गांव में तो काफी विकास हुआ है, मतलब हमारा तो सीधी बात है कि BJP की तरफ से हमें काफी काम मिले, हमारे रोड गई है, हमारे काफी टाइम से नशा बढ़ रहा है, नशा मुद्दा है सर? हाँ वो भी तो है ही है, लेकिन वो हमारे इधर नहीं है गांव में, अभी उसका इतना ज्यादा नहीं असर हो रहा है, आसपास सिटी में तो होता रहता है, खबरें सुनते रहते हैं, होता रहता है ऐसा है। ये एक और साहब है, भाई साहब क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? सब मुद्दे बस यही है कि जो बेरोजगारी पढ़े लिखे हैं उनको तो नौकरी मिले ही, और अच्छे काम हुए हैं BJP ने किए हैं और आगे भी करेगी, सरकार अच्छी आनी चाहिए, हम यही अपील करते हैं कि अच्छी वोट दो, सोच समझ कर दो,
अच्छा नेता होगा तभी तो काम करेगा। हुआ काम पहले की नहीं, नहीं पहले तो बहुत काम हुए हैं। ठीक है, पंकज, 70 साल में नहीं हुए थे वो अभी 10 साल। सबसे बड़ी जो वहां पर समस्या है वो बेरोजगारी है, अगर रोजगार मिल जाए तो युवा अपना राज्य अपना घर छोड़कर क्यों बाहर जाएं। तो पंकज, आधी आबादी आपके साथ है और महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं, जरा जानिए, उनसे बात कीजिए। ये देखिए सबसे अहम बात, अब महिलाओं की कतारें देखिए जिस तरफ नजर जा रही है, लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखी जा सकती है, दिखाता है कि महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह है। आइए सीधे महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैडम, 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? सर, मैं महिलाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार है। जम्मू कश्मीर स्पेशली नौशहरा में सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए। एजुकेटेड जो महिलाएं हैं वो बहुत हैं नौशहरा की, उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। और जैसे जो यूथ है जो पढ़ा लिखा है, हम देख रहे हैं कि वो बाहर जा रहा है, आपको लगता है कि अगर यहाँ रोजगार होता तो बाहर नहीं जाने पड़ते? बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ, अगर यहाँ पे रोजगार होता तो यूथ जो है वो बाहर नहीं जाता। महंगाई मुद्दा है? महंगाई भी है, ऑफ कोर्स महंगाई है। पिछले 10 सालों में महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सिलेंडर की बात ले लो, जो 10 साल पहले 400-500 में मिलता था, अब 1100-1200 में मिल रहा है। तो महंगाई एक अहम मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, एक आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए तो मुश्किल। और लोकल इश्यूज क्या है यहाँ पर? सड़क, बिजली, पानी। सड़क के इशू है, हमारा जो दंदानी का रोड ही देख लो, वही टूटा हुआ है। पानी, पानी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक, फॉर लौट रहे हैं।